अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे को 6.5 बिलियन डॉलर्स की डज लगी। हमने कौन सा ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल किया। रेकोडी का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूं। रेकोडी का केस आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1843 में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को 6.5 बिलियन डॉलर्स की डज लगी। हमने कौन सा ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये ज्यूरिसडिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूं फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन होता हम वो ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से मामलों को ठीक सिमत रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को 6.5 बिलियन डॉलर्स की डज लग जाए तो लग जाए, इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें।